नमस्कार दोस्तों, अनोखा रॉक स्टार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वर्षों का इंतजार अब खत्म होने वाला है क्योंकि सहरसा फारबिसगंज रेलखंड पर दो ट्रेनों की मंजूरी रेलवे की ओर से दी जा चुकी है। दोनों ट्रेन एक्सप्रेस के रूप में चलाएंगी और पहली जो ट्रेन है वह सहरसा और जोगबनी के बीच में चलेगी और दूसरी जो ट्रेन है जोगबनी और दानापुर के बीच में चलेगी। और सबसे जो बड़ी बात है, यह ट्रेन जो है फारबिसगंज ललितग्राम सरायगढ़ के रास्ते भी चलेगी। तो आपको जो बता दें कि जो ट्रेन है इसका टाइम टेबल के बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि जो सहरसा से जोगबनी के बीच में जो ट्रेन चलेगी उसका टाइम टेबल जान लेते हैं। तो सहरसा से जोगबनी के बीच में चलने वाली जो पहली ट्रेन है इसका टाइम टेबल अगर जोगबनी की ओर से बात करें तो 16:30 जोगबनी से खुलेगी, 16:55 फारबिसगंज, 17:35 ललितग्राम, 18:55 सरायगढ़ पहुँचेगी, 20:15 सुपौल पहुँचेगी, 21:40 सहरसा पहुँचेगी। फिर सहरसा से इस ट्रेन को जो है 23:55 जो है खोला जाएगा। उसके बाद यह ट्रेन जो है 12:45 पहुँच जाएगी सुपौल, उसके बाद 1:18 सरायगढ़, 1:55 ललितग्राम, 3:10 फारबिसगंज और 4:00 फिर यह ट्रेन पहुंच जाएगी जोगबनी। तो यह जो है पहली ट्रेन है एक्सप्रेस के रूप में इसको चलाया जाएगा और यह ट्रेन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा जोगबनी ललितग्राम और फारबिसगंज के रेल यात्रियों के लिए। तो इसी तरह जो है दूसरी ट्रेन भी जो दी गई जोगबनी और दानापुर के बीच में और इसको दरभंगा जो से चलाया जाएगा। तो जो पहली दूसरी जो ट्रेन है उसका टाइम टेबल जानते हैं। तो यह ट्रेन जो है दानापुर से जोगबनी और जोगबनी से दानापुर के बीच में चलाई जाएगी। तो यह ट्रेन जो है दानापुर से खुलेगी 6:10 6:25 पाटलिपुत्र पहुंच जाएगी, 7:00 यह ट्रेन हाजीपुर आ जाएगी 7:10, 8:10 मुजफ्फरपुर, 9:30 समस्तीपुर, 10:50 दरभंगा, 11:25 सकरी और 12:03 झंझारपुर, 12:35 निर्मली, 13:00 यह सरायगढ़ और 13:40 यह ललितग्राम पहुंच जाएगी और 15:05 फारबिसगंज और 15:45 यह ट्रेन जोगबनी पहुंच जाएगी। वहीं जोगबनी से बात करें इस ट्रेन की तो 5:00 जोगबनी से खुलेगी, 5:25 फारबिसगंज, ललितग्राम 6:05 सरायगढ़ 7:05 वहीं निर्मली की बात करें तो यह ट्रेन 7:28 पहुँचेगी, झंझारपुर 8:30 और वहीं अगर बात करें सकरी तो 8:45 दरभंगा यह ट्रेन पहुँच जाएगी 9:48, समस्तीपुर 11:00, मुजफ्फरपुर 12:30, हाजीपुर में 14:05 पाटलिपुत्रा 15:15 और दानापुर या 15:45 पहुंच जाएगी। तो जो दोनों ट्रेन है दोनों एक्सप्रेस के रूप में चलेगी और दोनों ट्रेन डेली चलेगी और रेलवे की ओर से नोटिफिकेशन दिया गया। हालांकि इसके बारे में बताया नहीं गया कि ट्रेन कब चलेगी, हालांकि इस ट्रेनों का जो है इनॉग्रेशन कब होगा इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। पूर्व मध्य रेल की ओर से जो है इस ट्रेन की मांग की गई थी जिससे रेलवे ने जो है मंजूरी दे दी है, जल्द इस ट्रेन को जो है चलाया जाएगा। तो आप क्या सोचते हैं इस ट्रेनों के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा।